शुक्रिया, जहां तक आवाज पहुंच रहे हैं मेरा प्यार आप तक पहुंचे। और देखिए भाइयों बहनों, कल मिनिस्टेरी फॉर ओपन बार वर्किंग के पर्सोनेल जब काम पर गए हैं, ये कल सुबह की बात है, तो जब ये सुबह पहुंचा भाइयों तो पता चला कि उपबार वर्कन के टेरेन पर एक बाघ मौजूद है, एक बाघ टिगरी काटी। टिगरी काटी को ना बाघ बोलते हैं बप्पा। अभी तो आप कुछ दिन पहले एक टिगरी काटी एक लड़का को ऊपर हमला की। आप तो जानते हैं कि वो लड़का सिकन है, इसमें उनका देहांत हो गई। ये टिगरी काटी बाघ है, बाघ है, बाघ। ये बाघ उपबार वर्क ट्रेन पर था काकी। अरे विश्वास कर तू, जब ये पता चला कि बाघ है उपबार वर्क के ट्रेन पर, तब तू देख भगाई। देख भगाई तो क्या हम बताई, कोई इधर घुसा, कोई उधर घुसा, कोई गाड़ी में घुस गए, कोई गाड़ी के नीचे और कोई ऊपर में जाता, कोई इधर तो उधर। तो पता चला बाद में कि ये बाघ जा करके फ्लीरिंग में लुका गया। भाइयों बहनों, ये बाघ क्या बात है, एक बाघ जो आ गए शहर में, शहर में शहर ओवी के ट्रेन पर। तो जाने कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि ये बाघ जंगल के है, बाघ कैसे यहां आ गया। ये सही बात है, आप समझ सकते हैं कि जितने सरकार का ट्रक जाते हैं बिनलांट के लिए, और बिनलांट में काम करने के बाद जब वो वापस आते हैं ना, ये बाकी कभी कभी कुछ सामान ऊपर रहता है, वही बाघ कूद के बैठ गया होगा, क्योंकि वहां पर खाना समय पर नहीं मिलता बिनलांट में। बस बाघ कूद के बाकी बैठ ही जाते हैं और धीरे धीरे शहर आ जाता है। ट्रक अब पार्केर कर दिया, बाघ अभी लुकान है, रात के समय अब बाघ बाकी में से निकल करके और अब जमीन पर घूमने लगा कि हम कौन देश में आ गई ली है। वहां तो जंगल रहा और यहां तो देखो मौज करे थे। हम लोग जंगल में मेहनत कर करके हम लोग को खाना मिलता, यहां देखो चिराग बरता है। भगवान सोचो ही ना, ये चिराग देखो बरत है, यहां कितने 15-20 गाड़ी खड़ा है, यहां पर राजा के सेठ के तरह। जिस बगवा पहले खूब घूम करके परासी राशि देखी से न काका, तब एक सवेर हो गए। अब हम तनार पहुंचे हैं, बस हम तनार देखे बाघ घूमे परासी में, बस हम तनार चिल्लाने लगा, बस बाघ भाग गए फ्लीरिंग में। भाई बहनों, आप समझ सकते हैं कि यह बहुत तमाशा हुआ। सिपाही आकर के और तमाशा बना दिया, ट्रेन को बंद कर दिया कि यहां पर किसी को आने की इजाजत न है। और गड़बड़ बप्पा। ओके, बाद में जॉन अल्टनबर्ग को तार किया गया, जो डीरन ट्रेन का डायरेक्टर है, वो भी आया। और वो जैसे आप हमेशा जानते हैं, ये लोग के पास पिस्तौल है, पिस्तौल दागने से वो बेहोश हो जाता है, उस तरीका के इनमें गोली है। तो इसको दागने के बाद जब ये बेहोश हो गया तो इनको उठा करके और परमारिबो जो को लेकर के ये लोग गया है। मतलब ये है कि ये टिगरी काटी जंगल से कहीं कोई के पिकअप में बैठ करके आराम से चलाए हुए शहर को, और सवेरे उतर करके रात के अब परासी में घूम घूम देख रहे हैं कि के कहां बैठे, कहां मिनिस्टर बैठे, कहां डायरेक्टर बैठल है, कहां सेक्रेटरी से बैठे है। बगवा पहले खूब देख रहे हो दिनवा के रतिया को घूम घूम करके। लेकिन सवेरे टिगरी काटी इनको लोग पकड़ लिया और इनको ले जा करके पारामारिबो जो में बंद किया है। टिगरी काटी पहुंच गए है पारामारिबो जो में। अब जाकर के अमतनार लोग यानी कि जाकर के वो अपना कारोबार फिर से करने लगा। प्यारे लोग,
चंदार लोग के सलारिस बढ़ल है 111% het bestuur van de bond belangen behartiging van gepensioneerden uit overheidsdienst BBGO के बारे में हम बातचीत करने जा रहा हूं. इस ऑर्गेनाइजेशन के सभानेत्री रनाट वौदन भगवान दास ये बैठ करके अगोर रही है कि ये जो पैसा अमतनार लोग को मिला है पेंशनर गण को कब मिलेगा. दिस इज द एडवर्टाइजिंग फ्रॉम द फरहोखिंग देने का पेंशनर द अमतनार मुतन ऑनफांगन फोर दिसंबर मुत खस्कीदन फोर दिसंबर. तो प्यारे लोग आप तो जानते हैं कि अगर अमतनार लोग 500 और कुछ पैसा पाए हुए होंगे यानी 500 ये कोप करा फर्स्टर्किंग है वो कोप करा फर्स्टर्किंग खपेंशोनियर्दन को भी मिलना चाहिए खपेंशोनियर्दन को भी मिलना चाहिए. लेकिन अभी नहीं मिला है तो ये बात इस पर काम हो रहा है. और रनाट वौदन जब उन्हें सनीसा फिनांसियन के तरफ से मिलेगा तो ये सनीसा आप तक पहुंचाएगी. जब जस आर रीडिंग योहानस फरबेस्ट्रात दो दो गाड़ी अपने में टकराया है बस एक तो छितरा गई है पैसों औ तो छितरा गए है जैसे वाटर मेलून छितरा गई से मौसी. आजकल जोन ओटो में धक्का लगे ओका मतलब है टोटल लॉस ओके तो जा करके फेंक सकते हैं. इस तरीका के गाड़ी है इस तरीका के गाड़ी बिक रहा है भैयों. सरनाम के जनता एक आदमी ने अभी नेखनन ट्वेंटक ऑगस्टस को एक आदमी को स्वार्थन होफ्रात मूलपात के कोने पर धक्का मारने के बाद वो भाग गया. हम बात करने जा रहा हूं फुटखांगर फालेरियो मेडिना के बारे में व्यर्थ यारख फुटखांगर फालेरियो मेडिना. इन्हें कुचल करके वो शोफेर भाग गया सिपाही उनका पीछा किया खोजने खोजते हुए गरीबा हाफन का पुलिसी ऑटो बस्टीडर तेयोका को गिरफ्तार की है 22 साल का तेयोका और उन्हें ले जाकर के जेल में डाल दिया है. तेयोका ही खेन खेल दख रेगुलेश. देखिए कौन तमाशा हुए तेरे देश में मौसी. जहां जहां आर रेडिंग हुआ वहां पर कोई के मौत हो गया कोई को ये हुआ तो उन लोग के पास रेगुलेश नहीं है. इतना आदमी को ये महिंदा में जो आ रेडिंग हुआ है सबके तो मौत हो गया लेकिन एक शोफेर के पास रेगुलेश नहीं मिला. सिपाही हमारा देश में और किसी के कंट्रोल करना चाहिए. हर एक जगह पर जहां ब्रोकी है वहां कंट्रोल होना चाहिए हर एक ब्रोकी के लगे और हर एक जहां जहां पर यूनिवर्सिटी है वहां प्यारे प्यारे लोग अब देखो इन लोग के पास रेप वेस नहीं है. इंसान को कुचल दिया है अब कितना एक दो हफ्ता जेल काटेगा फिर आजाद है. इन लोग के लिए कानून भी नहीं अच्छा से बनल है कि कम से कम 10 साल तक ये लोग जेल में जाए क्योंकि एक इंसान को कुचल दिया है. भाई बहनों ये दुख की बात है लेकिन करियो तो कहा करियो काका कैसा देश ऐसे के हम लोग को जगह चाहिए कहा करियो. पता चला है बप्पा सरमक्का में सुनियो कलकत्ता के बाद सुनियो एक सिपाही बेचारा
अरे कुछ कारण से पी ली से बेचारा, सिपाही तो बड़ी काम करे बप्पा। Over an politieman die in dronken toestand een burger voor een winkel heeft mishandeld. Ik te maza. Sipahi to daru pisa. Een nasabe. Ik in san ko bara piet pidai se. Mishandeld. Bara mar maris oke. Etna mar maris oke. Agbane liki se. Het blijkt nu dat het slachtoffer drie ribfracturen heeft opgelopen. Unka tien go panzerit utoot gai se. Ribben. He? To i bala pitai piti soke. Daru pi karke baut se mar mari se bappa. Ab sipahi bhi aai se. Sipahi dunu ko legal biru par. Ab biru par gai se. Waha par udhum machai se bhaiya. Waha par bhai musibat biru par bhi. बिरो पर वह पुलिसमान जो दारू पिए रहा बिरो को तोड़ताड़ दिया। लिखा हुई बात में कहेगा दाना से जो ड्रंकन पुलिसमान फर नीलिंगन आखिरी और फिर बिरो भला बताओ काका कैसे हुई, कैसे दिसवा चली भला, कैसे एक सिपाही को देश सबके ऊपर निगाह डालने के चाहिए है? और सिपाही वही की पिटाई पीटी से ऊपर से पुलिस बिरो में जा करके वो तोड़ फाड़ करी से ना? अब देखो कहा हुए है, सिपाही को बेल्ट फिक्सी कर दिया गया है लेकिन कार्रवाइयां भी जारी है। ऑन फ्लुख्त फरदख्त फैजल बुसिया आन खोदन 31 jarige vuur wapengevaarlijke verdachte फैजल बुसिया अलिया जाट प्रोक्यूरर जनरल इनके गिरफ्तारी के कागज निकाल रहा और जैसे आप लोग जानते हैं अरेस्टासी टीम इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया है, इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया है। भाग गया था लेकिन दोबारा गिरफ्तार हुआ है। अब देखो आगे चल करके कहा हुआ थे काका बड़ा गड़बड़ थे, बहुत गड़बड़ तो से कहा बताई है? देखो जहां सुनो तो लोग को भोग भाग करके उनका प्राण लेते हैं। 19 साल का फरदख्त बेनीटो एस वो रोबर्टो ब्रूनिंग को ये कहा झगड़ा भाई ऑन फरवाख्त में बस करे पेट में घुसेर दिया छूरा काका, छूरा घुसेर दिया उनकी पेट में। 19 साल का बेनीटो एस रोबर्टो ब्रूनिंग को उनके पेट में छुरा भोंक दिया। उन्हें उठा करके लोग एम्बुलेंस के जरिए एरखी देपोरी जो वहां पहुंचाया लेकिन वहां समझ में आ गया कि वो बचने वाला नहीं। उनको स्पुत एसंद हिलप को लाया गया और वहां पर इनका प्राण निकल गया है, उनका मौत हो गया है। छटपट इस वक्त छटपट काका तो है का बताई, तो छोड़ी निकारा थे तो बंदूक निकारा थे तो ये तो वो। अब बताओ कैसे चलेगा दुनिया, तो ही बताओ दादा रे दादा। भाइयों मैं आज आप लोग को भी बताना चाहूंगा कि दो गाय डाकुओं ने दो गाय को वानिका में एक साहिबाना में जा करके दो गाय को काट काट करके इतवार के ये बात है और सब गोश उठा ले गया है। चार लोग गए साहिबाना में एक पिकअप उनको उतार दिया साहिबाना के आसपास में और जब ये गाय काट करके और गोश बस्ता में लाद करके आए हैं तो फिर से पिकअप में बैठे और पिकअप उनको लेकर के वहां से चला गया है। सही रीजन फॉर मुदलकतुन मैथड फ्लीस वेख। अब सिपाही ओंदर सुख करे है कि जो दो गाय साहिबाना में काट काट करके चमड़ा वगैरह चमड़ा खोपड़ी वगैरह अंतरी वगैरह वहीं छोड़ दिया और गाय के गोश उठा ले गया है।
यह भी हो सकता है कि यह सब गोश्त के जरूरी था जिसे कुर्बानी के रहा कुछ महीना कुछ हफ्ता पहले ना, तो बड़ी गड़बड़ है भैया। डिफेंस लाखन इन वेलांट, पहले गाय चोरी करके लोग ले जाया करता था, सिपाही लोग को गिरफ्तार करे तो पूछ पुछैया हुआ रहा, अब लोग साहिबाना में जा करके वही काट है वही काट ओट करके सब लाद ओट करके जो जरूरी रहे थे और जो जरूरी छोड़ करके वहां से चला जाता है, है? अब आप बताइए मौसी, है? ये सब तमाशा सूरीनाम में होने लगा, भला बताइए कहां से सीख के ले लोग। ए भैया फिर से मारपीट भय काका। तो के हम का बताई भैया, लेकिन हम आपको दूसरा चीज बताना चाहूंगा, और वो क्या चीज है? अरे मान फरमान फ्री जैसे कहते हैं, वही बात रहा। अनमान से फ्रीद इन सरमक का लोहा के स्टाफ से उनको पीट दिया। यरिकाबा की पुलिस थी, उस आदमी को ले जाकर के बंद की है ना? और ये लड़ाई झगड़ा ऐसे पता चला कि वो जेक्स था और एक न्योता में भेद मुलाकात हुआ और वहां पर कुछ लोग को खींच खचौवा करने लगा और अब कोई उससे कहा होगा कि ये नहीं कर, बस मारपीट भय लोहा उठा करके सर पर मार दिया। अब सिपाही उन्हें ले जा करके बंद की है और हमारे भैया लोग सूरीनाम की तमाम जनता पुलिस या रिकाबा के एक आदमी जो एक फिच चोरी किया था, फिच एक बाइसिकल नहीं से तेई चांदी शॉप अखमेर, ये फिट्स वहां से लेकर के भगा, तो नाली जब की है इनका खुजाई हुआ है। द पुलिस स्टेट ऑफ द फरदाख्ते दी एम फिट्स हट फर कोख्त आन एन आंद्रे, वही बाइसाइकिल जो चोरी करके ले गया रहा वो बेच दिया, बस सिपाही बस लाख में ले लिया और फलाने को ले जा करके और बंद की है, फलाने को ले जा करके बंद की है, समझे न काका? मुझे पता चला है और जो बात मुझे पता चल जाता है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये तो आप जानते हैं। और ये बात ऐसे है, शगाओ के बुद्ध को सिपाही ने गिरफ्तार किया है, इनके पास बंदूक पिस्तौल वगैरह मिला है और ये दो आदमी से झगड़ा भी की है ना, और गोली भी चला है। इस सिपाही शगाओ को गिरफ्तार किया और उन्हें ले जाकर के बंद की है। ब्रिटिश रोप ओवरफॉल ऑफ सुपर मार्केट का तो के हम बताई काका, क्वार्टर के बात है ये दुकान में घुसा खवापंद रोप ओवरफॉल की बात हम करते हैं। जब डाकुओं ने घुसा जहां कासा है वहां पहुंचा, बस कासा के लोग को लगा तमाचा मारने के लिए घुसा है, और जब मार के खत्म हुआ तो पैसा जितना था बिचोर करके और ये वहां से भाग निकला है। जो जितने कासा में काम करते हैं वो लोग के बड़ी चोट लगा, उन सबको स्पुत एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया है। तो ये सब बात सब तो आप जानते हैं। सरनाम जब आजाद हुआ है तो आप तो जानते हैं काका, ये आजादी के बाद है, तो उन दिनों में आरोन के राज रहा एनपीएस के पीएनआर वगैरह का थी भी, तो ये लोग इन लोग के सामने तो कुछ बात रखा गया कि देखो 3.5 मिलियार्ड पैसा मिलेगा, 3.5 मिलियार्ड एनएफ नीदरलैंड्स फ्लोगन्स लोग को मिलेगा। बस ये लोग ने पैसवा के बतिया सुन करके न कहा कि पैसवा के बास बोले हाँ हम लोग के देशवा एक बरिस में आजाद कर देवे चाहिए, क्योंकि पैसवा के बात है, द्रियद हालो मिलियार्ड पैसा के बात,
अब एक को बटिया न हुए, क्योंकि इस पैसा से नाम देश को तू आजाद करे है। अरे देश आजाद करे है तो कौन देश आजाद करे है? हमारा खैंस अभी तक ठीक नहीं है, न फ्रांक राइक से, न ब्राजील से, न गयाना से, और तोरे आगे धर दी से द्रिय न हाल ऑफ मिलियार्ड, बट तू पैसा के नाम सुन ले बस सब तू भूल गए, एकदम से भूल गए। बोले देशवा आजाद होकर रहेगा, देश आजाद होकर के रहेगा, द्रिय न हाल ऑफ मिलियार्ड की बात है। प्यारे लोग आप समझ गए का भैल तू जाने का एक बात पहले एक बोले पहले एक बात और हम बता दे तो एक पर इस पर हम आएंगे जो आज असेंबली में इसके बारे में जिक्र हो रहा है, खरेंस के बारे में बचमा के बताएंगे। तो जाने जब दुनिया बदल, काकी तू तनी आगे बैठ, आगे बैठ, और देख मौसी कहा और मोटकी तू भी आ, ताकि ये बतिया बिहान तू लोग भोपाल ले करके और गांव गांव में फैला दो। सुनिए मोई से बात सुनिए, तू जाने ईश्वर प्रभु प्रभु की बात हम करीला, जब दुनिया बनाई न काका तो अब प्रभु दुनिया बनाई तो अब सोचे कि दुनिया में मुझे मनुष्य को भेजना है। प्रभु बैठा है और सोचे कि दुनिया तो हम बनाई है, बस दुनिया में मुझे मनुष्य को भेजना चाहिए। मनुष्य अरे कि तरह तरह मनुष्य, हिंदुस्तानी, क्रियोल, मलाई, चीन, चिनुआ, इंगी, बकरा, तो प्रभु बैठ के सोचे है। अच्छा सोचत 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 तो प्रभु के आसपास में घूमत है ना, सब सब जतियन घूमत है, प्रभु वहां बैठा उनके आसपास में सब घूमत है, कोई यहां है, कोई वहां, कोई वहां। तो प्रभु ने बुलाई एक ग्रुप के, आओ 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 भैया आओ। आयल पहुंचा, बोले सुनो दुनिया तो हम बनाई है, अगर आप लोग दुनिया में जाना चाहते हैं तो हम आप लोग को भेज सकते हैं। तो वो लोग सोच करके बोले प्रभु एक सवाल है। तो बोले कौन सवाल है? बोले अच्छा दुनिया में तो अब तू भेज रहे हैं मुझे, वहां गाय और खेत वगैरह है कि ना? प्रभु चौंका ही बात सुन करके कि इन्हें हम भेजते धरती पर, दुनिया हमार दुनिया, तो हमसे पूछत है कि वहां खेत और गाय गोरू है कि ना, और वहां धान लग सके कि ना। प्रभु बड़ी इस बात सोच करके बोले अच्छा ठीक है, हाँ सब चीज है, बस वो लोग ने तैयार किया धरती पर आने के लिए। तो पहुंच गए धरती पर, लोगों ने गाय गोरु पोसने वाला, धान लगाने वाला वगैरह वगैरह। फिर प्रभु दूसरा ग्रुप के बोला आओ 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 आओ, तो वो आयल। तो बोले कि तू धरती पर जाए मांगो। तब वो लोग बोले अच्छा धरती पर जाए तो पूछे पर प्रभु वारू वारू है वहां कि ना, और स्पार्टा ब्रोम्फिस ब्रोम्फिस है कि ना, और वारू प्रभु बोले ताकि बोले अरे वारों के बात करता है। तो बोले अच्छा ठीक है जाओ, तो आप लोग वहां पर रहेगा सब जाओ। तो अब वो सब आकर के यहां बस गए। एक तीसरा गुरु घूमत रहा इसी इसी ओके बोला इसी वो आए के पहुंचा। बोले उनसे पूछी सर कि आप लोग धरती पर जाए चाहे? बोले कि धरती पर यहां इतना मौज, हम धरती पर का गए? बोले बाकी एक बात है हम जा सकीला। तो अब एगो भाषा में बोली सर, अब प्रभु के पास सब भाषा वालों ने था, तो प्रभु से का पूछे? बोले प्रभु, वो पूछे प्रभु से, प्रभु फ्रौ नंगा सोपी दे। प्रभु से पूछे फ्रौ नंगा सोपी, तब प्रभु बोले हाँ दोनों है सब कुछ। वो भी आकर के बस गए, जो फ्रॉ सोपी वाला था वो भी बस गए देश में, समझे ना, धरती पर कहिए ऐसे ऐसे सब कोई आई है ना काका। तो अब आपके समझ में आ गई है, हमारा देश सूरीनाम आजाद हुआ, हैंकर ऑन रहा प्रमेय,
गर्मीन हावल फेनिचान ये सब ड्रीन हालफ मिलियार्ड एंड एफ के बारे में सुनीस बोले ना 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 देश आजाद करो देश आजाद करो देश को आजाद कर दिया और आज वही असेंबली जो है आज जो फ्रांकरेक और फ्रांस खुयाना और सूरीनाम के फ्रांस के बारे में आज असेंबली आज शुरुआत की है कि हम लोग को चाहिए हम लोग को फ्रांस जो है फ्रांस खुयाना से वो ठीक करवाने के लिए हम लोग को जो फ्रांस है ब्राजील से उनको हम लोग को ठीक करवाना चाहिए हम लोग का फ्रांस जो गयाना से है वो भी उनको ठीक करवाना चाहिए ये ठीक करवाना ये सरकार हॉलांच जब सूरीनाम को आजाद कर रहा था फैफन सेफन तक में तो नीदरलैंड को चाहिए था कि ये फ्रांस की समस्या हल करवाने के बाद देश आजाद करवाना लेकिन ये हॉलांच किया नहीं हॉलांच तो फेंक दिया द्रियन हालफ मिलियन पैसा बस लोग पैसे के पीछे हमने पैसा बस वो लोग ने ये फ्रेंस के बारे में कोई बातचीत नहीं की आज ये फ्रेंस के बारे में बातचीत शुरुआत हुआ है भाई बहनों और इतना बात हम कह सकते हैं जो बातचीत की है एनडीपी और एनडीपी का फ्रैक्सी लीडर बीसी कबा वो बात सामने पेश किया और फिर उसके बाद में जो फीआईपी का फोर्सिटर चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने आया है इस फ्रेंस के बारे में लेकिन संतोखी एक ब्रिलियंट एक लेखकीफ और अपने विचार से वो जो बात किया कहा है कि कैसे ये समस्या को हल करना चाहिए क्योंकि ये हल करना चाहिए था वो राज लोग जो पहले राज किए हैं लेकिन वो किया नहीं अब आमने हम लोग के सामने ये बात आया है तो हम लोग को चाहिए ये समस्या बड़ी ध्यान से बड़ी अच्छे तरीका से हम लोग को चाहिए इस समस्या को हल करने के लिए और चंद्रिका प्रसाद संतोखी अपने विचार से अपने परते के सिद्धांत से और खास तौर पर अच्छी तरीका से ये आदमी ने बात किया है और सरकार के सामने जो प्रस्ताव की है कि किस तरीका से उस समस्या को हल करना चाहिए और ये कहा कि ये अपन अलग से विद्वानों को आगे भेजना चाहते हैं मदद करने के लिए इतना दूर तक ये वादा दिया है अपने परते के अलग से हम विद्वानों को हम ड्राई बुक बना करके हम प्रोजेक्ट तैयार करके और हम विद्वानों को भी सामने पेश करने जा रहा हूं ताकि आप लोग उन्हें उनसे ये समस्या को हल करवा सकते हैं मतलब कि हम लोग के ये खरंस क्वस्ती जो है जो बहुत साल पहले ठीक हो जाना चाहिए था हुआ नहीं अब ये सभा लगा है आज यानी कि नेशनल असेंबली में तो प्यारे प्यारे लोग हो सकता है कि बहुत जल्द ये समस्या हम लोग के फ्रेंड्स जो है वो ठीक हो जाएगा फिर हम लोग को ब्राजील से हम लोग को फ्रेंड्स बनवाना चाहिए और फिर जाकर के गयाना से ये बहुत कठिन बात है लेकिन ये हम लोग को करवाना चाहिए ए जनता भाइयों बहनों प्यारे लोग एंड गुआरानी स्ट्राट वहां पर काम सरकार करवा रहा है फिर तक मीटर काम वहां पर हो रहा है और बैरम के बारे में बैरम वहां पर फरोख किया जाता है वगैरह वगैरह कोई काम होने लगा है तो प्यारे लोग सब बात है कि सरकार ये झोरा के समय आया है और सरकार को चाहिए जो जो रास्ता के बारे में जिक्र भय है वो सब सरकार को चाहिए मरम्मत करवाने के लिए है कर्स ब्रह्म पे सूरीनाम साम लीफिंग सब लोग को चेतावनी दिया है Has a strength to forboden, felt to forbranden. Has a strength of, yani felt जो लोग जिसमें आग लगाते हैं ये ब्रांडवेयर आप लोग को वार्स्क्यू किया है चेतावनी दिया है खास करके ओल्टन पिनास
कि ये मिनाही है कि झूरा के समय है और आप आग लगा देते हैं, इसलिए खमीस आपको चाहिए फैल जैसे बाहर रखते हैं या जैसे फैल कहा दूर ले जाकर के फेंका जाते हैं उस तरीका से ये आपको करना चाहिए। तो ब्रांटवेयर आपको दिखाते हैं कैसे काम करने के लिए। लेकिन ऑफिसियल फॉर यूस्टिसी निर्मला मई को हर एक जो सड़क पर दाम पर ऑटो लेकर के आते हैं, सब लोग जो गाड़ी चलाते हैं, आप लोग को फरकेस रिहल्स जो है उस तरीका से गाड़ी चलाना चाहिए। अगर आपके पास रेब वेस नहीं है तो आपको गाड़ी के पीछे बैठना नहीं चाहिए, स्टीयर के पीछे। आप तो समझ चुके हैं, ये कल के बाद भी कह रही है कि एक लौंडा बगैर रेब वेस के गाड़ी चलाया और देखो कितनी के हाथ कितनी के मौत होता है। तो ये दखब स्टीयर एन ऑटो एंड रेट एंड ब्रॉफिट ऑन, तो इस सब बात समझाई है ऑफिसियर फॉर यूस्टिसी मिस्टर निर्मला मई को। ऑफिसियर फॉर यूस्टिसी निर्मला मई को रुप आल फॉर केस डेल नेमर्स ऑफ जेख्त होल्डन ऑन द फॉर केस रिहर्स, वरना तो जाने हैं एक आड़ जो कर ले भैया और किसी को धक्का मार दिया तो तुम्हें कोर्ट में जाना पड़ता है और वहां पर निर्मला से भेंट होगा, मिस्टर निर्मला से, और वहां पर वही के बात सुनेंगे कि जाओ जेहल में, इतना जेहल या इतना डांड। तो क्या आप डांड और जेहल में जाना चाहते हैं? जब आपके पास रही बिवेश नहीं है तो क्यों आप गाड़ी चलाते हैं? आपके पास रही बिवेश नहीं है तो आप क्यों गाड़ी चलाते भैया? मां बाप को यह बात पता है कि ना पता है? अपने बेटा बेटियों से बात करो, जब उनके पास रही बिवेश न है तो गाड़ी मत चलाए। आज देखो गिनो तो चार पांच लड़कन बगैर रही बिवेश की गाड़ी चलाई और सब पांच या छह जो है सब गाड़ी चला चला करके लोग को कुचल दिया और लोग का मौत भी हो गया है, है? आप लोग अपने बच्चों से बात करो। और जो दारू पी करके चलाते हैं वो सर मक्का के बाद देखो वो आ रही दिन से, वो बेचारा वो तो खुद उसका मौत हो गया लेकिन गाड़ी में एक बोतल भर के विस्की और दो खलिया बोतल था उनकी गाड़ी में, उनका मौत भी हो गया अंग्रेजी से। ऊपर से एक तेलशीर का मस्त में धक्का मार दिया जो दो टुकड़ा टूट के गिर पड़ा, नुकसानी वहां कर दिया। वो आज दुनिया में नहीं शफेर लेकिन यह मुसीबत अपने बाल बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए छोड़ के गया है, क्योंकि वो नुकसानी जो तेलीशीर का है उन्हीं को भरना पड़ेगा। तो आप देखो एक तो गाड़ी बर्बाद हो गया, शोफेर का मौत हो गया, तेलीशीर के मस्त टूट के गिर पड़ा ना? और चिंता ही चिंता छोड़ करके अब दुनिया से चला गया है ये भैया। कब चलक ये बात आप लोग को समझाया जाएगा? कब चलक ये सब बात आपके आप तक पहुंचाई जाएगी और आप समझना नहीं चाहते हैं? आप कम से कम आपको समझ लेना चाहिए। प्यारे लोग, मुझे बड़ी दुख है इस बात से कि जब एक मोटर गाड़ी जहां पर घुस गया कंडाल में, थ्री पर्सन ऑन वी अ बेबी रात दिन दस में दवाउन बैन आर राइडिंग ऑन द रोड ऑफ कोरन डेक वेक नॉर्थ न्यू प्रोजेक्ट हाना सुलेश वेक द करंट फॉर नेम दैट द जेखलिंग पेन एंड हार्ट ऑन हिट होफ्ट ओक रात एंड फ्रॉक वॉन्ट। रोज कोई न कोई घटना हुए है, गाड़ी घुसेर देते हैं कंडाल में, धसान में, झलासी में, है? और ऐसे करे जिसे को बातें नहीं हुआ है। अब दो रोफर्स ग्रेख द्री मिंद्र यार्ख किंद्रन बोझदाख मेदाख्त फॉर वोंदन, ये ओवरफॉल की अपार्टमेंट इन पर हमारी वो एक अपार्टमेंट में घुस करके
दो औरतें और लड़कन घरे था और ये डाकू ने घर में घुस करके अपार्टमेंट में और सबके माल लूट करके गया है। मोबाइल टेलीफोन 300 SRD है और औरतों को घूसा से मारी है ये लोग, फूल फूल गए इन लोगों का मुंह आंखी वगैरह है। उन लोगों का हाउस कैटिंग मोबाइल टेलीफोन सब छीन छान करके और ये अपार्टमेंट से यानी चोरी करके लूट करके वहां से भाग निकला है, है? तो रोज कोई ना कोई के डाका डालने के बाद ये लोग ने भागते रहते हैं। प्यारे लोग, हमारे सूरीनाम के हर एक जनता भाई और बहनों, द नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर रामपन बस ट्रेडिंग कल 3 दिन के लिए ट्रेनिंग शुरू किया है। यह रामपन बहेर सिंह के सिलसिले के लिए यह ट्रेनिंग शुरुआत हुआ है। कमिश्नरियाज वाणी का रिजल्ट उसमें यह हुआ है कि कभी कुछ घटना, कभी मुसीबत आए तो कैसे वो लोग को बचाना चाहिए वगैरह वगैरह, इसलिए ये ट्रेनिंग का शुरुआत हो गया है। होटल तोरारी का अपना नाम बदल दिया है, होटल तोरारी का के नाम बदल दिया गया है, अब रहेगा तोरारी का रिसोर्ट एंड कैसीनो, तोरारी का रिसोर्ट एंड कैसीनो, ये कल से ये नाम बदल दी गई है। तोरारी का हमेशा ये 55 साल हो रहा है, तोरारी का 55 साल से है सूरीनाम में, वहां करीबन 400 लोग काम ही करते हैं, 400 मेड वर्कर्स, और अब काफी लोग वहां पर जाते आते हैं टूरिस्टन वगैरह। तोरारी का इसलिए अपना नाम इन द बालरूम फॉर तोरारी का, रॉयल तोरारी का द ऑफिशियल आम कौन देखे खदान, और उसका नाम कर दिया तोरारी का रिसोर्ट एंड कैसीनो, समझे ना। तो जनता, अब हम आप लोग को ये जो वीकेंड आ रहा है, तो अब वीकेंड के बाद है ना मौसी, ना वीकेंड के बाद है और फकांसी है, और फकांसी के मौके पर मैं सब जनता को, हर एक को अच्छा फकांसी के लिए बधाई दे रहा हूं। और वैसे हर एक काम अगर करियो तो ध्यान से करियो, और झगड़ा लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, झगड़ा लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। और अगर आप लोग दोक्षा के गोश्त पकाएंगे तो मसाला में, और दारू पीना है तो अच्छे दारू पियो जो नशा न देता है, वो दारू पियो जो नशा नहीं देता है, कि सब दारू नशा देखा का आप नहीं बता सके, लेकिन अच्छा ठीक है। तो आप लोग पियो तो गाड़ी मत चलाना, दारू पी करके लड़ाई मत करना है? और जो भी खाना तो अच्छे से भोजन करना, लेकिन मारपीट नहीं करना। मारपीट करने से इतना बात तो आप जानत हो, वो दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए जो काम करना है तो अच्छे से करो। फकांसी है, फकांसी के लिए कोई किसी को नहीं रोकता है, मौज करो जैसे आप चाहे, जो आपके मन में आवे, लेकिन दारू पी पी करके मारना किसी को, गाड़ी चलाना और पानी में उतरना, ओ हाँ, इस स्वयंवाद के बाद जो है, जो मौसी लोग जाते हैं स्वयंवाद में, तो मौसी लोग जब बच्चे लड़कियां लेकर के जाते हैं, अपने लड़कियों पर देखभाल करो, न भीतर जाओ लुक्का चोरी करने के लिए, आज लड़का के छोड़ दो लड़कियां को, वो बेचारी जाते पानी में बस बुड़ करके मर जाती है। दुई दुई गो स्वयं बात में ये तमाशा हुआ है सूरीनाम में। तो माताओं को जो लेकर के जाते हैं इधर उधर, लड़कन के छोड़ देते हैं, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। दो स्वयं बात में लड़कियां, एक तो 10 साल के बुड़ करके मर गई है, एक को बचा लिया लोग ने, ये दो अलग अलग के स्वयं बात है। लेकिन माताओं ने क्या करने के लिए वहां जाती है,
ये क्यों तमाशा तू लोग करत हो? एकाकी एक बात और हम बोल देगा, ये बतिया जाते जाते बोल देगा, ये अखबार में लिखल है, तू जाने वो एक्टर है अनिल कपूर, अनिल कपूर के वो बिटिया है सोनम कपूर, अनिल कपूर का एक बिटिया सोनम कपूर। तो सुनिए का बोले सोनम कपूर काकी, सुनिए तमाशा तू, बोले एक फिल्म बनावे लेस्बिस फिल्म, अब बोले ये लेस्बिस फिल्म बना करके इंडिया के औरतों को आंख खोलना चाहती है कि ये लेस्बिस में कोई ऐसा शर्म ना करे चाहे। हे काकी, हम ना सोचत रहे कि ऐसे लड़कियां के दिमाग खराब हो जाते हैं, भला बताइए का हो तुम्हारे जैसे। कौन सी हो गए अगर हमारे मुंह से बाहर इसे अच्छा से रही हो, अब आप से फिर मुलाकात करेंगे, जो दुनिया खत्म है यही है, यही सब चीज से आज दुनिया नाश हो गई है, सच्चे तो से हम बताई ला, अच्छा से रही हो, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, शुक्रिया।